जिया दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सुमित, तो हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच एक, वैसे तो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, बहुत ही कमाल के वीडियो के साथ। दोस्तों सचमुच आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है जो अभी 1 to 12th के स्टूडेंट हैं। और यदि आप एक इस वीडियो को देख रहे हैं और आप एक टीचर है, पेरेंट्स है, या फिर 1 to 12th से सीनियर स्टूडेंट है, तो आप उन बच्चों के साथ आज का ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप भी इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप उनको बता पाइएगा कि सबको और भी अच्छे से हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों टाइटल पढ़कर आपको मालूम चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में आप क्या जानने वाले हैं। सचमुच आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप 1 to 12th के जो ऑडियो बुक्स होते हैं NCERT के, उसे आप किस प्रकार से ऑडियो फॉर्मेट में मतलब सुन सकते हैं ऑडियो बुक्स। तो हो क्या रहा है कि अभी लॉकडाउन ठीक से खुला नहीं है और सभी अपने अपने घरों से ही पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, और अभी लगभग काफ़ी सारे बच्चे नए नए क्लास में गए हैं, तो पुराने क्लासेस के तो खैर ऑडियो बुक्स थे इसलिए काम चल जाता था, मगर अभी नए क्लासेस में गए हैं तो ऑडियो बुक्स नहीं हैं, तो जो अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसी से काम चलाना पड़ रहा है। और ऑडियो बुक्स ढूंढ रहे होंगे, कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि स्कूल जब खुलेगा स्कूल में जाकर नए नए बुक्स ऑडियो बुक्स मैं लूँगा अपने सीनियर्स से, क्योंकि अभी ऑडियो बुक्स तो है नहीं, काफ़ी उसे मेमोरी में आपको लेना होगा, पेन ड्राइव में लेना होगा, या फिर जो आप MP3 प्लेयर यूज़ करते हैं उन्हें उसमें लेना होगा। और आप तो ऐसे ऑनलाइन ले नहीं सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साइज हो जाता है। तो खैर आपको घबराने वाली बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आज उसी का सलूशन लेकर आ चुके हैं। अब आपको कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है, अब आप अपने घर बैठे ही जो आपके क्लास के बुक्स है ऑडियो बुक्स उसे आप सुन सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो आप इस ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं जिस ऐप के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। मगर उससे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको उनकी आवश्यकता है, और आप इस वीडियो पर अपना कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स के जरिए अपने अपने बातों को ज़रूर रखिए, आपका आप आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा और आगे क्या कुछ नया वीडियो चाहते हैं ज़रूर कमेंट, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करके ही जाइए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाना होगा, तो मैं भी चलता हूँ प्ले स्टोर में। आप ये अपना प्ले स्टोर ओपन कर सकते हैं। चलिए ये प्ले स्टोर, प्ले स्टोर, प्ले स्टोर सिलेक्टेड फॉर यू हेडिंग शोइंग आइटम्स 1 टू 5 ऑफ 9। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको इसके सर्च बॉक्स को ओपन करना है और वहां टाइप करना है, या फिर वॉइस सर्च में आपको बोलना है फाउंड 3 वॉइस सर्च बटन प्लेस सर्च फॉर एप्स एंड हिंदी एडिटिंग सर्च फॉर सुनो किताब। सुनो किताब, जी हां इस ऐप का नाम है सुनो किताब, सुनो किताब। तो इस ऐप से हम किताब सुन सकते हैं, इसलिए ऐप का भी नाम है सुनो किताब, इसे आपको सर्च करना है। जी हाँ, ऐप का नाम सुनकर आप वीडियो को स्टॉप मत कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर कर यहाँ से बाहर मत जाइएगा, क्योंकि ऐप के विषय में काफ़ी कुछ आपको जानना जरूरी है, इसलिए आप वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए जैसे आप सुनो किताब सर्च कर लेंगे तो यहाँ आपको ये तीसरे नंबर वाला जो ऐप है इसे आपको इंस्टॉल करना है, पहले और दूसरे नंबर वाला ऐप को आपको छोड़ देना है। Storytel, audiobooks, content rating rated for 12, story not ticked, editor's choice, content rating unlimited app, Suno Kitab, apps unlimited access to stock 24M Storytel, audiobooks install, button, Storytel, audiobooks, events con, unlimited access to story, zero app, Suno app, Suno, Hindi audiobooks for app, Suno Kitab, details for app, Suno Kitab, NCERT audiobooks and stories, showing items 1 to 7 of 18. जब भी आप इस ऐप को सर्च करेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको ये दूसरे नंबर पे भी कभी मिले, कभी पहले नंबर पे भी मिल जाए, और कभी ये तीसरे नंबर पे भी मिल जाए। अलग अलग डिवाइस पे मैं इसे इंस्टॉल किया हूँ तो ये तीसरे नंबर पे मिला मुझे एक समय, अभी तो ये जल्दी मिल गया। हालाँकि तो इस ऐप को आपको ठीक से देख लेना है, इसको ठीक से पढ़ लेना है। सुनो किताब, सुनो किताब, NCERT audiobooks and stories, NCERT books and stories, जो इसी ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, इसी ऐप को करना है, दूसरे ऐप को आप डाउनलोड मत कीजिएगा, नहीं तो आप इस ऐप के फीचर को नहीं देख पाएंगे। चलिए इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। What's new? Heading, open, button. ओपन कर देता हूँ। सुनो किताब,
बैग। जब आप पहली बार इस ऐप को इंस्टॉल करने जाएंगे तो आपको इंस्टॉल का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको भी ओपन का बटन मिल जाएगा, आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ये ऐप ओपन हो जाएगा इस प्रकार से, और ऐप ओपन होने के बाद आपको ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से मिलेगा, और ऐप का होम पेज इस प्रकार से। नीचे आप कुछ टैब्स दिए हुए हैं, जो होम बटन और ओवरव्यू बटन होता है उसके ऊपर। Selected home sun at the top. पहला टैब है होम टैब, दूसरा है प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट टैब, क्लासेस और तीसरा क्लासेस टैब। और ऊपर की ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में ओपन नेविगेशन ड्रॉअर बटन, नेविगेशन ड्रॉअर दिया हुआ है जो कि एक मेन्यू बटन है। और राइट में अगर हम देखें तो मोर ऑप्शंस बटन, ये मोर ऑप्शन का बटन दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इस ऐप का इंटरफेस है। तो नेविगेशन ड्रॉअर में जाकर दिखाते हैं पहले क्या कुछ मिलता है यहाँ पर। ओपन नेविगेशन मेन्यू, ये मेन्यू ओपन हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप लेफ्ट टू राइट स्लाइड करेंगे तो सन एट द टॉप एक्सप्लोर शेयर ऐप रेट ऐप, यहाँ पर शेयर ऐप रेट ऐप है। ऐप को आप अगर आप किन्हीं के साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई अगर आपको कहता है कि वो आप मुझे भी भेजो, तो आप यहीं से उनको शेयर कर सकते हैं। फीडबैक, जी हाँ, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर बटन है फीडबैक। इसे आप भी छोड़ देते होंगे, मगर इस ऐप में आपको इस बटन को नहीं छोड़ना है। आप ज़रूर इस पर क्लिक कीजिएगा और आप अपने फीडबैक को ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इस ऐप का उपयोग कर रहे हैं और आपको कुछ बुक्स अगर मिसिंग यहाँ पर लग रही है, कुछ अगर आपके चैप्टर नहीं है या फिर कुछ चैप्टर अधूरा है या फिर कुछ आप और सुधार कराना चाहते हैं इस ऐप के अंदर, तो आप यहाँ से फीडबैक दीजिए। आप बताइए, मैं इतने क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं इस ऐप का प्रयोग कब कर रहा हूँ, और आप जो भी कहना चाहते हैं, आपको जो भी इसके विषय में कहना है, आप ऐप में आपका अगर कोई चैप्टर नहीं है तो ये चैप्टर यहाँ पर नहीं है, आप बताइए। अगर आप सारा कुछ अच्छा लग रहा है तो उस पे भी आप फीडबैक दीजिए कि काफ़ी अच्छा ऐप है, लेकिन फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, फीडबैक देना मत भूलिए, ताकि डेवलपर और भी अच्छे से इस पे काम करेंगे। चलिए फिर यहाँ से बैक आ जाता हूँ, और कुछ ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बैक आने के बाद यहाँ पर मोर ऑप्शन है। मोर ऑप्शन में कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसे छोड़ देता हूँ, वीडियो लंबा भी हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले नीचे होम टैब है जो कि यहाँ सिलेक्टेड है। No subjects. होम में आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रख सकते हैं, ऐड करके रख सकते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट सुनना चाहते हैं। अभी कुछ भी मैं सिलेक्ट नहीं किया हूँ, इसलिए कुछ भी यहाँ पर नहीं है। क्लासेस, यहाँ पर नीचे क्लासेस टैब मिलेंगे राइट कॉर्नर में। क्लासेस, टैप ऑन एक्सप्लोर टू ऐड मोर सब्जेक्ट्स। देखिए, अब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ऐड करना होगा, मतलब आप किस क्लास के सब्जेक्ट को, कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तभी आप ऑडियो बुक सुन पाएंगे। कौन कौन से बुक्स को आप सुनना चाहते हैं उसे अपने क्लास टैब में ऐड करना होगा। तो इसे ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको क्लासेस टैब में जाना है, या फिर नेविगेशन ड्रॉअर से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लास टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा, बटन जो कि ये टॉकबैक आपका बटन रीड करेगा। ये अनलेबल बटन है, सबसे पहला ही बटन है। जैसे आप क्लासेस में जाएंगे तो, और आप यहाँ से लेफ्ट राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर बटन मिल जाएगा, इसी बटन पे आपको क्लिक करना है। या फिर अपने नेविगेशन में जाएंगे तो वहाँ पर एक्सप्लोर करके एक बटन मिलेगा, उसका भी यही काम होता है, सेम है, जहाँ से भी आप चाहे कर सकते हैं। चलिए इस पे क्लिक करता हूँ मैं। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर मिलेगा। देखिए, यहाँ पर सारे क्लास के बुक्स आ गए हैं। कौन कौन से क्लास के आपको कौन सा बुक्स चाहिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कौन क्लास के आप स्टूडेंट हो। चलिए मैं अगर देख लेता हूँ, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले अपने क्लास को ढूंढना होगा, आपके क्लास के बुक्स कहाँ पर है। यहाँ पर आप स्वाइप करते जाएंगे तो पहले 1 से शुरू होगा, 1 क्लास का बुक्स, फिर 2 क्लास के बुक्स मिलेंगे, फिर 3 क्लास के बुक्स मिलेंगे, फिर 4 क्लास के बुक्स मिलेंगे। ऐसे आपको स्लाइड करते हुए आना आपके क्लास तक आपको पहुँचना है। चलिए मैं 10th का जैसे देख रहा हूँ, क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मैं एक डेमो दिखा देता हूँ। क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट, क्लास 9 साइंस। देखिए, ये क्लास 9 का ये साइंस बुक आखिरी है। इसके बाद अगर आप इधर नीचे देखेंगे तो क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट, क्लास 10th यहाँ से शुरू हो जाता है, फर्स्ट फ्लाइट जो कि एक इंग्लिश का बुक है। तो अगर 10th के क्लास के स्टूडेंट हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए, फर्स्ट
सभी बुक को आपको क्लास टैब में ऐड कर लेना होगा पहले, उसके बाद ही सुन पाएंगे। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ पहले ऐड। ऐड करने के लिए इस पर डबल टैप कीजिए। सुना किताब क्वेस्ट एंड फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआर सुना किताब ऐड टू क्लासेस टैब। देखिए यहाँ पर मिल जाता है ऐड टू क्लासेस टैब, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सुना किताब क्वेस्ट एंड फर्स्ट फ्लाइट ये ऐड हो गया। फिर से आप लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट करेंगे। क्वेस्ट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये भी इंग्लिश का बुक है, इसको भी आप ऐड कर दीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। Quest Sona Add to Quest Sona Kitab Quest and Footprints Without Feet। जो भी क्लास के स्टूडेंट आप हैं, अगर 12th क्लास के हैं, 12th क्लास में आपके जो जो भी बुक्स हैं उसे आप पहले क्लास टैब में ऐड कर लीजिए। जैसे मैं दो बुक्स को ऐड कर लिया, जो भी सब्जेक्ट है उसे आप कर सकते हैं। Quest and Kritika चलिए क्लास 10th Kritika इसे आप कर लीजिए, इसे भी करना चाहे तो। Quest Sona Add to Quest Sona Kitab Quest and Critical। फिलहाल मैं तीन ही कर लेता हूँ, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये सारे बुक्स यहाँ पर है, कृतिका, क्षितिज, Quest and Civics। देखिए ये भी है Quest and Economics। इकोनॉमिक्स के भी बुक्स है क्लास 10th। Quest and Civics। सिविक्स का भी बुक है Quest and Science। साइंस का भी बुक है 10th क्लास का। Quest and History। हिस्ट्री भी है Quest and Geography। ज्योग्राफी भी है Quest 11 Snapshot। और Showing items 52 to 63 of 85। ज्यादा कि 11th का सारा बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। Quest 11 Poll, Quest 12 Flamingo, Quest 12 Business। Class 11 poll, side. NCERT Class 11 poll, side. NCERT Class 12 Contemporary World Politics. Class 12 Political Science. Class 12 Economics. तो यहाँ पर अगर कुछ बुक्स आपको नहीं लगता है कि ये बुक नहीं है तो आप फीडबैक दीजिए, आपके लिए अपलोड वहाँ पर हो जाएगा, डेवलपर आपके लिए अपलोड कर देंगे, इसलिए फीडबैक का बटन वहाँ पर मैं आपको बताया। सारे बुक्स लगभग ऐसे तो हैं, 11 12th में हो सकता है आपके कुछ सब्जेक्ट जो आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं वो नहीं होगा, तो आप फीडबैक जरूर दे सकते हैं। वैसे तो जो जनरल सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये सारे सब्जेक्ट तो है ही है इस ऐप के अंदर। NCERT Class 11 Economics, NCERT Class 11 Bond Bill, RBSE Class 3 Hindi। यहाँ RBSE राजस्थान बोर्ड का भी है। RBSE Class 3 Maths। तो ये काफ़ी है, और भी NCERT के अलावा आपको और भी कुछ बोर्ड्स के किताब मिल जाएंगे, ये और भी अच्छी बात है। NCERT Class 6 Maths। Showing items 76 to 85 of 85. Learnings podcast. NCERT Class 11 Physics Part 1. G preparation. जी हाँ, तो ऐप के अंदर जो आपके बुक्स है इसके अलावा भी, मतलब क्लास के बुक्स है इसके अलावा भी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। Physics World Stories podcast. NCERT Class 11 Hindi. इस प्रकार से आप देख सकते हैं। Biology Need 11 and 12. NCERT Class 12 Physics Part 2. जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट कुछ जैसे Biology need 11 and 12. बायोलॉजी जो 11th और 12th दोनों के लिए यहाँ पर है, अगर आप चाहते हैं तो एक साथ इसे ऐड करेंगे तो दोनों ही क्लास के आपको मिल जाएंगे। NCERT Class 12 Physics Part 1. तो इस प्रकार से कुछ है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर करना क्या है कि क्लासेस में आपको इस क्लास टैब में आपको ऐड कर लेना है इन सारे बुक्स को। अब यहाँ से आपको बैक कर लेना है एक बार। बैक चलिए बैक आ गया। Selected. अब यहाँ पर होम टैब में Showing items 1 to 7 of 68. जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे तो NCERT देखिए अब आपको होम पेज में लिस्ट मिल जाएगा जो किताब आपने ऐड किया। अब ऐसा नहीं है कि बाकी क्लास आपने 10th का ऐड किया, यहाँ पर आपको 3-4 क्लास के किताब नहीं मिलेंगे, ताकि आप जल्द से जल्दी से ढूंढ पाओ। चलिए NCERT Class 10A for NCERT Class 10A first flight Sona NCERT Class 10A first flight Sona NCERT Class 10A first flight Sona Kitab picture CH11 the proposal part 3 16 MB July selected all favorite NCERT Class 10A first flight NCERT Class 10A first flight। तो यहाँ पर होम टैब में इस प्रकार से है, selected. पहले यहाँ पर selected. इंग्लिश में ऐड किया था इसलिए इंग्लिश के सारे चैप्टर मिलेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। मगर इससे इजी है अगर आप क्लास टैब में जाएंगे तो NCERT Class 10A for classes. ये जो क्लासेस टैब है इस पे आपको क्लिक करना है। Selected. NCERT Class 10A footprints without feet. NCERT Class 10 Hindi Kritika Sona Kitab. NCERT Class 10 Hindi Kritika Sona Kitab. होम में आपको मिल जाएगा जो भी चैप्टर बाय चैप्टर आप देख सकते हैं, सारे कुछ मिलेंगे, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लासेस टैब में और भी इजीली मिल जाएगा। जो भी बुक आपको पढ़ना है उस बुक पे डायरेक्ट क्लिक कीजिए। अगर होम टैब से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नीचे देखना होगा, तब आपको आपका सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन आप क्लासेस टैब पे आइए। क्लासेस टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए इंग्लिश का बुक है NCERT Class 10A, footprints with...
NCERT Class 10A, First Flight, Sonaka Top, NCERT, More Options, NCERT Class 10 Hindi, Kritika, Sonaka Top, Button. मैं यहाँ पर तीन बुक ऐड किया, तो इंग्लिश, दो इंग्लिश और एक हिंदी, तो ये बुक्स हमें मिल गया है। तो अगर अब आपको जो भी बुक सुनना है, हिंदी इंग्लिश जो भी बुक अगर आपको सुनना है, तो उस बुक पे आपको क्लिक कर देना। चलिए मैं हिंदी अगर मुझे सुनना है तो मैं क्लिक कर देता हूँ कृतिका। अब क्या होगा, हिंदी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट चैप्टर Inf background, but CH5 inf background, picture, edit, inf back, CH5 main Kyle linked to moon part 2, new, 15 MB, May 17th, 2020, audio. कृतिका में सिर्फ पांच ही चैप्टर हैं, जैसा कि 10th में, तो यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, तो सबसे लास्ट चैप्टर से यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, अगर आप यहाँ ऊपर से देखेंगे तो. CH5 main Kyle linked to moon part 1, 16 MB, May 17th, 2020, audio. पहला पार्ट सुनना चाहते हैं, फर्स्ट पार्ट से अगर आप सुनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर टू फिंगर से नीचे से ऊपर आपको स्लाइड करना होगा, या फिर आप स्वाइप स्वाइप करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। ये देखिए CH1 माता का अंचल पार्ट 1 15 MB अप्रैल 25 2020 ऑडियो। यहां माता का अंचल जो कि पहला पार्ट है क्लास 10th। CH1 माता का अंचल पार्ट 1 15 CH1 माता का अंचल पार्ट 2 17 MB अप्रैल 25 2020 ऑडियो। जो पार्ट 1 है इसका भी दो भाग में इसको वीडियो इस ऑडियो को बनाया गया, रिकॉर्ड किया गया है, तो इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 में आपको ये सुनाकर एक बार दिखा देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर रिकॉर्डिंग आपको मिलता है। चलिए अगर आपको ये सुनना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद ओपन नेविगेशन ड्रॉअर बटन, फिर से आपको लेफ्ट टू राइट स्वाइप करना है। Picture, but NCERT CH1 April 20 play. और आपको यहाँ पर play का बटन मिलेगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे Web view. तो आपका ये play हो जाएगा। Play. क्लिक करता हूँ Sonaka Top. Nav. Add to favorites. ये देखिए आप सुन रहे हैं Sonaka Top. Hello students, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक का पार्ट 1 माता का अंचल। ये शिव पूजन सहाय जी के लेखक हैं और उनके एक उपन्यास का ये अंश है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो बालक भोलानाथ है, आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है इसलिए लेखक ने मैं का इस्तेमाल किया है, और तो जो मैं शब्द में वो अपनी कहानी कह रहा है, बालक भोलानाथ वो बता रहा है उसे कि कैसे उसका जो रिश्ता था वो कैसा उसके माता के साथ था और कैसा उसके पिता के साथ था। दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो माता के साथ पास से दूध पीने जाता था और बाकी समय अपने पिताजी के साथ रहता था, उनके साथ खेलता था, उनके साथ घूमने जाता था, उनके साथ ही सोता था, खाता था। जी हाँ, तो इस प्रकार से आपने सुना कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है। ये सिर्फ ऑडियो बुक्स में, हम जो ऑडियो MP3 जो सुनते हैं उसमें होता क्या कि वो इस प्रकार से यहाँ पर एक्सप्लेन भी काफ़ी अच्छे से, मतलब आप जब सुनेंगे तो आपको खुद ही इसके विषय में मालूम चलेगा। और इसमें एक और चीज़ है कि आप इसे प्लेबैक स्पीड, मतलब इसे अगर लग रहा है कि कोई जो भी ये आपको पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा आप थोड़ा स्पीड में आप उनको सुनना चाहते हैं तो आप स्पीड करके भी सुन सकते हैं। रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड का भी बटन यहाँ पर आपको मिलेगा। फास्ट फॉरवर्ड 30, स्किप बटन। ये देखिए फास्ट फॉरवर्ड, अगर आप थोड़ा सा पार कर सुनना चाहते हैं, प्ले 10, या फिर आप थोड़ा रिवाइंड करना चाहते हैं, रिवाइंड बटन 1.0, प्लेबैक स्पीड बटन। यहाँ पर प्लेबैक स्पीड आप तेज कर सकते हैं, थोड़ा तेजी में आप इसे सुन सकते हैं। 0032 58 3% slider 00 CH1 Madakayanchal part 2 picture button NCERT class 10 Hindi Kritika more options button। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन है और यहाँ पर मोर ऑप्शन भी है। सब्जेक्ट पेज, सब्जेक्ट पेज यहाँ पर नहीं back. है, यहाँ पर बैक कर देता हूँ। Sonaka Top more NC picture CH1 Madakayan copy and paste 00 3% 0 play 1 3 10 play fast 30 skip trend copy share Select all. जी हाँ, यहाँ से शेयर कॉपी कुछ करना है तो आप इसे भी कर सकते हैं। चलिए इसे मैं छोड़ देता हूँ। सिलेक्शन क्लियर, तो आप कहीं से कॉपी शेयर अगर आप करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये भी फीचर है। C3% Select CH1 Madakayanchal Part 2 Back button navigate। तो इस प्रकार से आप किसी भी Open navigation
बैक बुक्स को सुन सकते हैं ऑडियो फॉर्मेट में। आप मैं एक ही सुनकर आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही टीचर है, अलग अलग चैप्टर अगर आप सुनेंगे तो अलग अलग आपको टीचर्स मिलेंगे, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग टीचर के द्वारा आपको यहाँ पर ऑडियो सुनने को मिलेगा। तो आप सुन सकते हैं इसे, आप जब सुनेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मार्क लगा सकते हैं, यहाँ पर add to favorites. फेवरेट में आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये इतने सारे चीज कर सकते हैं। Back. आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आप जब यूज करेंगे तो और भी ऐप के जितने भी चीजें हैं आपको और भी अच्छे से मालूम चल जाएगा। काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सभी चीजों को नहीं बता सकता हूँ। प्लेलिस्ट का टैब है। Playlist. Drag to change the position of his item and see picture. See it play. Home. अब अगर आप किसी को ऐड करते हैं फेवरेट या फिर, तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। मैं अभी ऐड नहीं किया हूँ इसलिए कुछ भी यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो कुछ इस प्रकार से Back. इस ऐप का इंटरफेस था और इस प्रकार से आप Open button. इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी समझ में आ गया होगा और जितना कुछ भी है आप यूज़ करेंगे तो मालूम चल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब मैं यहीं इस वीडियो को एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क करके आगे इस ऐप के विषय में कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों दीजिए मुझे अब इजाज़त, फिर से मिलते हैं किसी दूसरे दिन अगले वीडियो के साथ।